कुछ समय पहले मुझे YouTube व्यूअर ने एक सवाल पूछा था मेरे ट्रांसप्लांट वीडियो में कमेंट डाल के कि क्या मैं पेट्स रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि हम पेट्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो जब आपकी डायलिसिस चल रही होती है तब ये सारे सवाल हमारे जहन में नहीं आते कि पेट्स रखना है कि नहीं रखना, लेकिन जैसे ही ट्रांसप्लांट होता है आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आप पहले जैसे खाना खाने लगते हो, पानी पीने लगते हो, और फिर कुछ महीनों बाद आप बाहर भी जाना चालू कर देते हो, जॉब करने लगते हो, कॉलेज जाना चालू करते हो। तो फिर जब ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है तो पेट्स रखना भी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो पेट्स को प्यार करते हैं और वो ज़रूर ये चाहते हैं कि जब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ तो क्यों ना पेट्स रखूँ, बट फिर भी ये डर होता है कि पेट्स रखने से कहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं कि आप पेट्स रख सकते हैं कि नहीं ट्रांसप्लांट के बाद, तो इसका जवाब टोटल तरीके से ना नहीं है। जी हाँ, आप रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स रखनी है। अगर आप ना रखें तो बेहतर है, बट अगर रखते नहीं हैं तो कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स रखनी पड़ेंगी। इसका सीधा कारण है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल इंसान से आप थोड़ा अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसानों के अपेक्षा किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रही होती हैं, जैसे कि टैक्रोलिमस, माइकोफेनोलेट एंड प्रेडनिसोन, ये सब आप लोग जानते हैं। और ये सारी ड्रग स्ट्रांग इम्यूनो सप्रेशंस होते हैं, मतलब अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे बीमारियाँ जो नहीं भी होती हैं वो होने के चांसेस होते हैं। तो पेट्स जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, कई सारे अपने साथ बैक्टीरियाज, वायरस कैरी करते हैं, और जब आप इनके क्लोज कांटेक्ट में होते हो या ध्यान नहीं रखते हो तो इनसे रिलेटेड जूनोटिक डिसीज़ आप में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या सेफ्टी टिप्स रखनी है। ना रखें पेट्स तो बहुत ही बेहतर है, बट फिर भी अगर बहुत प्यार करते हैं, पेट्स रखना चाहते हैं, तो सेफ्टी टिप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहली सेफ्टी टिप्स है कि आप हमेशा अपने हाथ और पैर क्लीन रखें जब भी आप एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे डॉग्स हों चाहे बिल्ली हों। तो आप उनको हैंडल करने के पहले और बाद में हमेशा हाथ अच्छी तरीके से साफ करें। दूसरा, जब भी आप नया पेट लाते हैं या कोई भी एनिमल लाते हैं घर में, तो आप वेटनरी डॉक्टर से अच्छी तरीके से चेक करा लें कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, वो पूरी तरीके से क्लीन है कि नहीं है, और उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है कि नहीं। तो कोई भी पेट आप कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद ही लें। क्या वैक्सीन लेनी है इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, आप अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं और उनको अप टू डेट वैक्सीनेशन रखें। जब भी आपका पेट बीमार पड़ता है या उसे सर्दी खांसी हो रही हो या डायरिया हो रहा हो या तो आपको लग रहा है वो बीमार है, तो उसके साथ कांटेक्ट बिल्कुल ही छोड़ दें। आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास भेजें और वहाँ पे चेक करवाएं उनको कोई ऐसी ट्रांसमिशेबल डिसीज़ तो नहीं है। कई बार कुत्तों और बिल्लियों में कई सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सिजेला, कैंपाइलोबैक्टर और कई भी सारी पैरासिटिक डिसीजेज भी होती हैं जो आप में ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो अगर आपका पेट बीमार लगता है तो तुरंत उससे कॉन्टैक्ट छोड़ें और तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। चौथा, अपने पेट्स के जो नाखून हैं वो हमेशा आप कटवाएं ताकि स्क्रैच की संभावना कम से कम हो। जैसा कि आपने देखा होगा, कुत्ते और बिल्लियों के नाखून काफ़ी शार्प होते हैं, जब भी आप हैंडल करते हैं तो नोइंगली या नॉन अननोइंगली आपको स्क्रैच कर सकते हैं। स्क्रैच करने पे भी इन्फेक्शन हो सकती है, एक प्रकार की डिसीज़ होती है जिसको हम कैट स्क्रैच डिसीज़ कहते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बिल्लियों के स्क्रैच करने से इधर से उधर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर डिसीज़ है, बट चूंकि पेट्स के रिलेटेड है, क्योंकि पेट कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हर कोई रखता है, तो ये उन ऐसे लोग जिनमें पेट्स रखते हैं उनमें ये कॉमन भी हो सकती है। तो अपने जो पेट्स हैं उनके नाखून हमेशा कटवा के रखें। पांचवा, आपके जो एनिमल्स हैं उनके जो फीसेज हैं या उनकी जो गंदगी है आप खुद साफ़ ना करें। अगर आपने बर्ड्स रखे हैं तो उनके केज खुद साफ़ ना करें, आप किसी और को रखें इसके लिए साफ़ करने के लिए। तो गंदगी से हर तरीके से दूर रहना है, क्योंकि जो उनके सिक्रीशंस होते हैं या फीसेज होते हैं उनमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आप में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो अगर आप पेट्स कर रहे हैं, पेट्स रख रहे हैं, तो उनके जो सिक्रीशंस हैं उनसे दूर रहें। छठवां, अपने पेट्स के खाने पीने का ध्यान रखें, उन्हें हमेशा हाई क्वालिटी पैक्ड फूड खिलाएं। अगर आप पेट्स रखना चाहते हैं उनको इधर उधर गली में ना घूमने दें या स्कैवेंजर की तरह ना घूमें, क्योंकि जब वो इधर उधर गली में घूमते हैं
तो ये इन्फेक्टेड चीज़ें या ख़राब चीज़ें भी खा सकती हैं, जिससे उनको बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर उनको बीमारियाँ होंगी, उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो वो उनमें ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो पेट्स के खाने पीने का ध्यान रखें, उन्हें हमेशा अच्छा खाना खिलाएं और उनको बीमारियों से दूर रखें। तीसरा, कुछ पेट्स होते हैं वो अवॉइड करें। पहली बात तो एग्जॉटिक पेट्स ना रखें, जो रूटीन पेट्स हैं, कुत्ते बिल्ली रख सकते हैं, बट कई लोगों को आदत होती है एग्जॉटिक पेट्स रखने की, जैसे कि सांप, नेवला, रेप्टाइल्स, ये सब पालने की। तो इन सब चीज़ों से बचें। रेप्टाइल्स वगैरह, इनमें ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आपको बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकती है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स रेप्टाइल्स या स्नेक्स पालें। तीसरा, मंकी, बंदरों के साथ भी बोलते हैं कि बंदरों को नहीं रखना चाहिए। और ये सारी जो रिकमेंडेशन जो मैंने आपको बताई है, ये सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल यूएसए की रिकमेंडेड जो गाइडलाइंस है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, उससे ली गई हैं। और अगर और आप जानकारी चाहते हैं, तो सीडीसी की वेबसाइट या सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर आप और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।